आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद जो अजाब आए। आए कुछ कुछ शराब आए, बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस देख रहे, उसके बाद ये हम वो कुछ करें जो हमने वहां उस वक्त नहीं करेंगे ना। खवातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौसीक हैदर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप फैज़ मेले में तशरीफ़ लाए हैं और आज की जो नशिस्त हमने सजा रखी है इस में आप तशरीफ़ लाए हैं। फारूक साहब के नाम के साथ मरहूम कहते हुए ऐसे जबान रुक सी गई। फारूक साहब को हमने आज याद करना है और मैं सलीमा साहब और अरशद साहब पीछे बैठे अभी बात कर रहे थे कि हमने बहुत सा आज हंसना है। अरशद महमूद साहब, सलीमा हाशमी साहिबा, जावेद नियाजी, बाबर नियाजी मेरे पैनलिस्ट्स हैं और हमारा प्यारा सा ऑर्केस्ट्रा भी। आप इधर आज और मैं और सलीमा हाशमी साहब, अरशद साहब अभी पीछे बात कर रहे थे कि हमने आज फारूक कैसर साहब को याद करना है, उनके बारे में बात करनी है, लेकिन हमने बहुत सा हंसना भी है। हमने उनको सेलिब्रेट करना है। हमने फारूक कैसर की जिंदगी को, उसके फन को, उसकी शख्सियत को आज उदास होके याद, उदास तो वो कर गए लेकिन उदास होके याद हमने नहीं करना। हमने उसको एंजॉय करना है और गप लगानी है, कुछ उनकी चीजें, कुछ उनकी यादें बाबर और जावेद से सुननी भी है। तो जनाब, सिलसिला ये है कि मेरी उम्र है 53 साल, 53, और मुझे ये याद पड़ता है कि मेरा जो बड़ा भाई है सबसे, उसकी उम्र है इस वक्त तकरीबन कोई 65 बरस, और वो भी जब फारूक साहब की, सलीमा साहब जब डेथ हुई तो वो अमेरिका से उसने मुझसे फोन पे बात की तो कहते हैं हाँ हमारे बचपन की यादें। तो मैं सोच रहा था कि अंकल सरगम कम से कम नहीं तो 5 दिहाइयों और 3-4 नस्लों का बचपन साथ ले गए। फारूक साहब जिस दिन गए हम उस दिन बड़े हुए। आज मैं चाहूंगा कि उनकी फैमिली बैठी है। मेरा ख्याल है बाबर ने जितना वक्त फारूक साहब के साथ बिताया है, जावेद ने भी, और सलीमा साहब और अरशद साहब ने, तो एक्चुअली बचपन में, एक्चुअली इन सब का बचपन और लड़कपन की यादें हैं। तो हसीब भाई, मैं तो बच्चा था जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, आवाज मेरा 12 साल का था, बच्चा था, तो आज मैं बच्चों वाला हूँ। तो मेरा उनके साथ बचपन, जवानी और ये जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, ये सारा वक्त उनके साथ गुजरा। मैं तो अभी भी उनको बिल्कुल अपने साथ समझता हूँ। कभी मैंने सोचता हूँ उनके बारे में तो मेरी आंखें भर जाती हैं कि वो हम किस तरह अचानक से चले गए, तो लेकिन हमारे बीच में है। सलीमा साहब, कहानी आपसे शुरू करना चाहूँगा क्योंकि आप की यादें फारूक साहब से पीटीवी और अक्कड़ बक्कड़ से भी पहले की हैं, और पपेटियर फारूक कैसर को अंकल सरगम से और उस सफर पे लाने वाली आप हैं, तो वो जरा कहानी हमें सुनाई। नामलेकुम। एनसीए में टेक्सटाइल में पढ़ता था, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया दूसरी दफ़ा, पहले तो मैं 65 में एक साल मैंने पढ़ाया था, उसके बाद मैं जब वापस आई हिंदुस्तान से तो दोबारा एनसीए गई, तो ये उस वक्त तकरीबन ग्रेजुएशन के करीब करीब था, आखिरी साल में था। सो जो कोई एनुअल डिनर टाइप चीज़ होती थी तो स्टूडेंट्स उसमें चीज़ें करते थे, तो ये भी एक स्किट ये भी था, और नहायत ही शुस्ता तरीके से उस्तादों का मजाक उड़ाता था, और मैं तो खैर नई नई आई थी वहाँ पे, मैं वाहिद फीमेल टीचर थी एनसीए में, और कोई नहीं थी टीचर। तो उन्होंने मेरा नाम
छोटी मैडम रख दिया, क्योंकि उससे पहले एक हमारी उस्ताद थी जो जा चुकी थी, तो छोटी मैडम्स के नाम से मशहूर हुई। बाद में शहनाज इस्माइल ने आके पढ़ाना शुरू किया, वो मिनी मैडम हो गई। तो मैंने नोटिस किया कि इसका ख़ास सेंस ऑफ ह्यूमर है। और इत्तेफाक ये हुआ था कि स्टूडेंट का ट्रिप गया था ईरान में, तो मैं भी साथ थी और ये भी साथ, और मेरे साथ वाली सीट में बैठे हो। तो रात रात को भी बस चलती थी ये वो, तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया, आप इंग्लैंड में रही हैं इतने साल ये वो। तो मैंने कुछ फिल्मों के बारे में बताना शुरू किया, जो कि फिल्में जिनका ह्यूमर से ताल्लुक था, जो बड़े बड़े उस्ताद, और बहुत गौर से सुनता रहा। उसने कई सवाल भी पूछे, खैर वो बात आ गई होगी। हर एक ने अपना सफ़रनामा जो लिखा, उसने उसमें, मेरे पास आए सब सफ़रनामे, तो इसमें लिखा था कि मैंने मिसेस हाशमी से तंज़ो मज़ाक के बारे में बहुत से सवाल किए और मुझे उनके जवाब उन्होंने दिए। उसके फौरन बाद हमें मौका मिला कि हम कुछ पीटीवी में करें। उससे पहले तो हम बहन थे शुएब और मैं, लेकिन जब हुकूमत बदली याया खान साहब के बाद, तो असलम अज़हर ने हमें कहा, पूछा शुएब और मुझे, कि तुम जिस किस्म का प्रोग्राम करना चाहो, कार्ट ब्लांश, यू कैन डू एनीथिंग। हमने कहा बच्चों का प्रोग्राम। असलम ने कहा बच्चों का प्रोग्राम करना चाहते? ने कहा नहीं, हम बच्चों का प्रोग्राम करेंगे। और फिर शुएब ने कहा भाई पपेट्स होने चाहिए ये वो, तो पपेट्स कौन बनाएगा? मैंने कहा एक लड़का है जो मेरे ख्याल में बना लेगा। तो मैंने फारूक को आके ढूंढा, मैंने कहा तुमने पता है पपेट्स क्या होती हैं? तो मैंने कहा चलो पीटीवी चलो। तो पूछा गया पपेट्स बना लोगे? कहता जी अगर बता देंगे क्या चीज़ होती तो बना दूंगा। So, उसके बाद फिर हमने गए, हमने जाके सेसमी स्ट्रीट देखी ये वो, और उसे ये प्रोजेक्ट मिला कि तुम भी बत्तख बनाओगे और अपने साइज का बनाओगे। तो यूँ पहला पपेट जो कि बी बत्तख था, अक्कर बक्कर का, वो बना। उसके बाद उसने, और उसके अंदर कौन होता था? उसके अंदर फारूक कैसर खुद थे। और वो एक दिन वो जब आए पपेट को लेके रिक्शे में, तो वो पैसेंजर की तरह भी बत्तख भी उतरी और फारूक कैसर भी उतरे और सब देख रहे थे उसे। उसके बाद उन्होंने ऐसा वो ज़बरदस्त चीज़ ईजाद की, लेकिन उसमें वो सुराख देना भूल गए ताकि वो सांस भी ले सकें। तो एक दिन उन भी बत्तख सेट के ऊपर बेहोश भी हो गई। सो ये थी शुरुआत। लेकिन अरशद ये बता सकते हैं कि वो जो हमारा माहौल था, उसमें हर किसी को इजाज़त थी कि वो जो इजाफा करना चाहता है वो करे। जो उसमें शुएब को तो एक नाम दिया था इन सब ने, क्योंकि इनकी जब मौसीकी की चीज़ बनती थी तो शुएब ज़रूर बीच में कोई ना कोई चीज़ मुर्की या कोई चीज़ ऐड कर देते, तो उनका नाम टुच शाह रख दिया गया कि वो टुच लगा देते हैं। सो वी वर अ बंच ऑफ टुच शाह पीपल, और जिसको कोई ख्याल आता था तो वो चीज़ शामिल हो जाती थी। अच्छा, फारूक साहब का भी कोई नाम रखा गया, कोई शरारतन, कोई छेड़, कोई? नहीं, फारूक कैसर का नाम हमेशा फारूक कैसर दिया जाता था, उसे कभी फारूक नहीं कहा जाता। फुल नेम फारूक कैसर। अच्छा अरशद साहब, आप जैसे सेवा के? नहीं, क्योंकि मैं भी इसी प्रोग्राम से इब्तदा की थी, और उस वक्त एक धड़ेबाजी भी थी, वो ये कि मैडम सलीमा क्योंकि एनसीए में पढ़ाती थी, तो इस प्रोग्राम में कुछ लोग एनसीए से शामिल हुए और उनका ज़रा पल्ला भारी था। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो मैं शुएब हाशमी साहब का शागिर्द था, तो मैं दूसरे धड़े से आया था। और फारूक कैसर ये कई बार कह भी चुके थे अपने कि मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वैसे ही प्रोग्राम जो था उसमें पैसे बहुत कम मिलते थे, तो लिहाजा क्योंकि बजट जो था वो तो नहीं बढ़ सकता था, तो अब एक एडिशन का मतलब यह है कि बाकी सबके पैसे कम हो जाएंगे। तो लिहाजा कहते हैं कि जब मैंने अरशद महमूद को देखा, तो वो क्योंकि मैं ते के प्रोग्राम से शामिल हुआ था, मुझे अभी भी याद है कि वो उसने ते का एक गाना लिखा था जो मैंने बनाया था, कि तख्ती पे तख्ती, तख्ती पे दाना, चल रही हवा मेरी तख्ती सुखाना। तो ये हमने फिर मिल के बहुत सारे काम किए और बहुत वक्त साथ गुजारा, और फिर मेरी और उसकी एक तरह से पार्टी बन गई, एक धड़ा
मेरा और फारूक कैसर का था और हम सब के नाम हमने रखे हुए थे और सिर्फ हमारा नाम जो था वो नहीं था। और फिर उसको क्योंकि मुलाजमत मिली इस्लामाबाद में तो हमारा साथ यानी दिन में 5 या 6 घंटे तो हम इकट्ठे गुजारते थे इस प्रोग्राम के सिलसिले में या और जो इधर उधर आवारागर्दी हम करते थे। तो जब वो इस्लामाबाद चला गया तो वो बहुत याद करता था कि यार बड़ा मज़ा आता था। तो उसने कहा कि मैंने एक पपेट बना लिया है जो तुम्हारा है, यानी अंकल सरगम जो है वो मेरी, यानी ये मूछे भी आप देखें और बाल। Ladies and gentlemen, may I present to you Uncle Sargam, the real inspiration behind Uncle Sargam. तो कहता है अब मैं उससे बातें करता रहता हूँ। तो बहुत ही आपस की, now that I look at you, seriously है ना? नहीं नहीं अभी मूछे काली होती थी जब। हाँ मूछे काली होती थी तो वो कोई 2-3 साल पहले मैं इस्लामाबाद में था किसी काम से, क्योंकि नेपा के काम से, तो इसको पता चल गया। कहता यार मुझे तुम लिफ्ट ही नहीं कराते, मुझे मिलते नहीं। मैं कहा यार मैं काम से आता हूँ फिर वापस कराची। तो कहता नहीं नहीं मेरी तरफ आओ। तो वो वहाँ गए हम चाय वाय पीने के बाद। वो साथ ही उसके घर के बाग है जहाँ पे ना बड़े बड़े वो अब वो मैस्कॉट की तरह के अंकल सरगम और मासी मुसीब थे लगे हुए। मेरे फ़ोन में है तस्वीर, दिखाई भी जा सकती है शायद आपको। तो हम दोनों ने उनके साथ तस्वीर उतरवाई जो बाद में उसने मुझे भेजी व्हाट्सएप की और नीचे लिखा कि मुशाबहत नोट फरमाए। अच्छा खबरदीना साहब हम थोड़ा सा आपको एक थोड़ी सी वीडियो भी दिखाना चाहेंगे जो हमारी टीम ने लाइन अप कर रखी है। मैं वहाँ से इसलिए उठ गया हूँ कि मैं उस अच्छी सी वीडियो के दरमियान आपको मुझे बर्दाश्त ना करना पड़े। सो जरा वीडियो प्ले कीजिए जी फारूक साहब। पपेट्स असल में हमारा जो टूल्स हैं ये हमारे नहीं हैं, लेकिन इनको हमने अपना बनाया। इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो ये है, जो मुझे अंदाजा हुई बाद में कि इनकी रूट्स जो हैं वो हमारे इस सकाफत में, हमारे कल्चर में, हमारे पाकिस्तान में है। इनके नाम, इनकी बोली, इनकी जुबान, इनकी हरकत, और फिर मुझे ये अंदाजा हुआ कि जिस चीज की रूट्स आपके अपने कल्चर में होगी वो देरपा होगी। रोमानिया में मैंने उनका एक उनके शायर है मिहाई एमिनेस्कु, बहुत जैसे हमारे फैज हैं, जब उनको पढ़ा जुबान जब आई पढ़ा तो मैंने कहा तो फैज की पोएट्री है। फिर एक ही इरा के एक ही टाइम के दोनों की लैंग्वेज दोनों को नहीं पता। अंकल अंकल मेरी एक बात बांधे क्या? क्या बात है? अंकल मुझे 5 रुपए दे दे। 5 लो फिर एक। अंदाजे बयां भी ना फारूक साहब इतने एंगेजिंग, उनकी आवाज प्रॉपर ब्रॉडकास्टर्स वॉइस, यानी बिल्कुल एक रेडियो ब्रॉडकास्टर किसी आवाज। अच्छा जी आज की इस नशिस्त में जिसमें तकरीबन अब आधा घंटा रह गया है, अच्छा जी और भी है वीडियो? नहीं अच्छा जस्ट होल्ड बैक बैक यही वीडियो थी, वही दोबारा प्ले होगी। दोबारा प्ले करना चाह रहे आप? ओके जी, वो कह रहे हैं वो पहले में रुक रुक के चल रही थी तो आप दोबारा प्ले करना चाह रहे। पपेट्स असल में हमारा जो टूल्स हैं ये हमारे नहीं हैं, लेकिन इनको हमने अपना बनाया। इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो ये है, जो मुझे अंदाजा हुई बाद में कि इनकी रूट्स जो हैं वो हमारे इस सकाफत में, हमारे कल्चर में, हमारे पाकिस्तान में है। इनके नाम, इनकी बोली, इनकी जुबान, इनकी हरकत, और फिर मुझे ये अंदाजा हुआ कि जिस चीज की रूट्स आपके अपने कल्चर में होगी वो देरपा होगी। रोमानिया में मैंने उनका एक उनके शायर है मिहाई एमिनेस्कु, बहुत जैसे हमारे फैज हैं, जब उनको पढ़ा जुबान जब आई पढ़ा तो मैंने कहा तो फैज की पोएट्री है। फिर एक ही इरा के एक ही टाइम के दोनों की लैंग्वेज दोनों को नहीं पता। अंकल अंकल मेरी एक बात बांधे क्या? क्या बात है? अंकल मुझे 5 रुपए दे दे। 5 लो फिर 1, 2, 3, 4 और 5। तुम हमारी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, तुम म्यो स्कूल में दाखिला लो। तो मुझे पता ही नहीं म्यो स्कूल होता कि मैं चला गया जाके इत्तेफाक देखें। उन्होंने कहा जी टेस्ट शुरू होने वाले हैं दाखिले के,
मैं वहां बैठ गया, एक घंटे बाद वो मैं भी बैठ गया, मैंने भी टेस्ट दिया। अगले दिन घर से चोरी गया कि मैंने कौन सा पास होना है, जाके कॉलेज में गया तो मैं पास हो गया हुआ था। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, सलीमा हाशमी भी थी उसमें, और उसमें और दो तीन टीचर्स हैं, तो मैं हम जो ना जानबूझ के कॉलेज जाना, वहाँ टेबल टेनिस खेलना और शाम को बहरा के झूठ बोल देना कि जी फलाने का गए थे, वहाँ इंटरव्यू दे के आए, दुआ करें हो जाए। तो एक दिन खेल रहे थे, सलीमा हाशमी वहां से गुजरी। अच्छा, तो पास करके हुए तो तुम यहाँ क्या करते हो? तो मैंने कहा जी घर किस मुंह से जाए, वो कहते हैं नौकरी नौकरी नहीं। वो चली गई हंसती हुई, फिर वापस आई, कहने की टीवी में काम करोगे? यकीन करें तोसी के हमारे घर में टीवी नहीं था। तो मैंने कहा जी कहीं भी आर्ट्स का काम कहीं भी करवा दे हम करेंगे। उन्होंने मेरी गाड़ी में उठाया, शोएब हाशमी साहब गाड़ी चला रहे थे, शोएब साहब से मेरी थोड़ी सी पहचान थी क्योंकि मैंने एनुअल डिनर पे एक परफॉर्म किया था जो जिसमें उन्होंने मुझे शाबाशी दी। तो उसने कहा ये तो बोले वही लड़का नहीं, उन्होंने कहा था ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा ये पास आउट कर गया, अभी टीवी में इसको जा रहे हैं मीजू, उनकी छोटी बहन सलीमा की, मुनीजा हाशमी, मुनीजा हाशमी प्रोड्यूसर थी। तो उन्होंने कहा मैं लेके जा रही हूँ, पर वो मुझे उन्होंने टीवी में ड्रॉप किया। मुनीजा ने मुझे देखा तो सलीमा से कहा कौन आई है? उसने कहा ये डिजाइनर है, और ये उसने कहा ये कद से तो डिजाइनर नहीं लगता। वो जो सरकम था अकेला मैं चलाने वाला होता था, फिर क्या किया जाए, बच्चों को इकट्ठा किया, अच्छा जुराबे बना दी उनके हाथों में, ये सरगम है इससे प्रोफेसर सरगम, मेरा प्रोफेसर था। फिर टीवी ने कहा नहीं प्रोफेसर अच्छा नहीं लगता एजुकेशनल के, तो फिर उसको अंकल किया। तो सरगम और सात सुरें हैं उसकी, सात जुराबे, वो बच्चे से करते थे और उसके साथ किताबें बातें करती है हमारा जी बहलाने की, किताबें बातें करती है हमारा जी बहलाने की, कभी अगले जमाने की कभी पिछले जमाने की।